आईपीएल 2023 के 18वें मुकाबले में पंजाब किंग के सामने गुजरात टाइटंस की टीम थी। यह मुकाबला मोहाली के पीसीए स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 153 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम ने एक गेंद शेष रहते मैच को 4 विकेट खोकर जीत लिया। गुजरात की टीम ने रोमांचक मैच में पंजाब को आखिरी ओवर में मात दी। 154 रन का पीछा करने आई गुजरात की शुरुआत कमाल की रही। पंजाब की टीम की शुरुआत खराब रही और पहले 4 ओवरों में ही गुजरात की टीम ने 44 रन बोर्ड पर लगा दिए। हालांकि पांचवां ओवर लेके आए कैगिसो रवाना ने तेज तर्रार बल्लेबाज कर रहे रिद्धिमान साह को आउट कर दिया। इसके बाद साई सुदर्शन ने शुभमन गिल के साथ एक साझेदारी बनाई। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए उतरे और सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं पंजाब किंग ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पे 153 रन बनाए। इस मैच में पंजाब की शुरुआती खराब रही। उनके ओपनर प्रभ सिमरन सिंह बिना खाता खोले वापस लौट गए। फिर शिखर धवन 8 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मैथ्यू शॉट ने 36 रन बनाए। इसके अलावा भानुका राजपक्षे ने 20 रन बनाए, वहीं जितेश शर्मा ने 25 रन बनाए। इसके अलावा सैम करन और शाहरुख खान ने 22-22 रन बनाए। वहीं आज कोलकाता नाइट राइडर्स आज अपने घरेलू मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की कड़ी परीक्षा लेगी। दोनों टीमों के बीच आईपीएल 2023 का 19वां मैच ईडन गार्डन में खेला जाएगा। आईपीएल 2023 टूर्नामेंट को आगाज में हार के साथ शुरुआत करने पड़ी थी। कोलकाता नाइट राइडर्स लगातार जीत दर्ज कर रही है। पिछले मैच में अय्यर ने 40 गेंदों पर नाबाद 83 रनों की पारी खेली, जबकि रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर मैच खत्म कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले 2 मैच हारने के बाद घर में पंजाब किंग को हरा के पहली जीत दर्ज की। राहुल त्रिपाठी ने 48 गेंदों पे नाबाद 74 रन बनाए, जबकि एडन मार्करम ने नाबाद 37 रन बनाए। तो क्या कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजी की बात करें तो सुनील नारायण फॉर्म में हैं। पिछले मैच में वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। नारायण ने 4 ओवर में सिर्फ 33 रन देके 3 विकेट लिए थे। उनके अलावा सुयश शर्मा ने भी विकेट लिए थे। तो आप बताइए, क्या आज कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घरेलू मैदान पे जीतेगी या हारेगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सिर्फ जनहित टाइम्स पर।